ईश्वरो दुर्गा मेरी मूर्ति भेदा विभागिनी व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। योगोश्वात्मा विधिविषयान् प्राश्यभोगान् समिष्ठान् पश्चाचरण्यान् स्वमतिः भवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हिद्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीय। जो भी कुछ अर्थ था छुपा हुआ उसको कार्य का कारण इकाई का अभी हम लोग सातवें मंत्र के ऊपर विचार करते हुए ये दिखाया कि हमारे पास दो शब्द हैं, एक अविद्या और अविद्या की अविद्या, काम कर्म और कर्म के फल। तो वासना अविद्या के कारण वासना, वासनाओं से कर्म, कर्म से कर्म का फल। ये अविद्या को यहाँ पे जो अवग्रहण है इसी को आपने अवग्रह शब्द के द्वारा कहा, इसी को निद्रा शब्द के द्वारा कहा। और इस अज्ञान के कारण जो वहाँ पे क्या है ये नहीं जानने के फलस्वरूप हम अपने संस्कार के अनुसार, मन के अनुसार और कुछ कल्पना कर लेते हैं, उसका अन्नता ग्रहण बोलते हैं। उसके हम स्वप्न शब्द के द्वारा कहा, अन्नता ग्रहण के स्वप्न निद्रा तत्व अजानता, इन दोनों जो विपरीत ग्रहण हो रहा है व्यतीत कर्म हो रहा है इसका नाश हो जाएगा। विपरीत नाश इस तयोर छीने तुरियो को व्यक्त अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कब 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 करेगा, तब क्या कहा, अनादि माया शुक्त जगा जीवन प्रबुद्ध थे जब अनिद्र अस्वप्न अद्वैत बुद्ध थे। जब अनादि माया निद्रा से सोया हुआ जीव है ना, माया निद्रा क्या है, मैं और मेरा, मैं और मेरा ही माया निद्रा। देखा भगवान मास्टर कहते हैं ना, मम इदम मम क्षेत्र पशु पक्षी सब ये सब मेरा मेरा, ये मेरा भाभी माया निद्रा है। और इस माया निद्रा सनादिकाल से चलता आ रहा है। ये जब जीव जब इससे जग जाते हैं तथा जीव प्रबुद्ध थे तब कहते हैं, और जब अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्ध थे तथा, ये अनिद्रम अस्वप्न मतलब अग्रण अन्नता ग्रहण छूट जाने के कारण मैं एक जन्म रहित व्यापक अस्वप्न तत्व भी समझ। जगत ये कैसे समझ में आएगा, हमें तो सामने जगत दिखाई दे रहा है, तो जगत जब तक रहेगा तब तक अब तो कैसे समझ में आएगा। तब क्या बोला, प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशय माया मात्रम इदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थक। प्रपंच यदि वास्तविक वहाँ पे कुछ वस्तु हुई होती तब तक उसको मृत्यु को प्रसंग यदि वहाँ पर हुई होती या भरी सर्प तब आप उसको हटा करके मार के निकल सकते, है नहीं। ज्ञान के जगह जो वस्तु मिट जाती है पारमार्थिक उसकी विद्यमानता होती नहीं, हमारे जीवन का अनुभव है। फलत प्रपंच नामक कोई वस्तु है नहीं, यदि होता तो निकल जाता, केवल माया से इसकी प्रतीति होती है। महानिंद्र से जागो तो क्या हो जाएगा, फिर जो है प्रतीति बंद नहीं होगा, आपका जगत नाश नहीं होगा, संसार का नाश होगा। जगत की प्रतीति होती रहेगी परंतु संसार का संसार मेरापन नाश होगा। अब जो है यहाँ तक तो समझ में आता है भाई, सारा जगत मिथ्या है। ये जो तुम लोग उपदेश करते हो वेदांत पर पठन पाठन लिखना पीने तुम साधन मानते हो, ये सच है कि झूठ है, बोलो क्या बोलो। माया में
ये कई वादी लोग, कोई भी व्यक्ति अपने ग्रंथ लिख करके ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ये पारमार्थिक नहीं है, केवल व्यवहार को समझाने के लिए। परंतु श्रुति माता वेद की अथवा हमारे संप्रदाय के आचार्य की उद्घोष है, ये सब अविद्या को ही समझाने के लिए ग्रंथ लिखा जा रहा है। विद्या है, ग्रंथ भी विद्या है। इसमें भी क्योंकि श्रुति अपने आप बोलती, क्या बोलते हैं, अत्र वेदा अवेदा भवति, यहाँ पे आकर के फिर कोई भी निर्वेद हो जाते निस्त्रैगुण्य प्रति विचर तो को विधि को मनुष्य गुणातीत होकर के परिव्रजन व्यक्ति में जीवन बीता रहे, इस व्यक्ति के लिए क्या विधि क्या निश्चित कुछ भी नहीं है। ये जो है मनुष्य का मन संप्रदाय के आचार्य भी ऐसे ही कहते हैं। भगवान भाष्यकार मिथ्या से आपको धुआं देख करके जाके अग्नि प्राप्त होता है, परंतु आपको बाष्प देख करके तो अग्नि प्राप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार मिथ्या से सत्य का ज्ञान कैसे होगा, तब समझाते हैं ब्रह्मसूत्र भगवान भाष्य का संदेश बोलते हैं। प्रत्येक भाषा में जल के लिए अलग अलग शब्द है, उसके लिए अलग अलग लिपि है, ठीक है ना, परंतु वो लिपि व्यभिचार करते हैं। हमारे भाषा में एक प्रकार लिखते हैं, आपके भाषा में एक प्रकार लिखते हैं, अंग्रेजी में एक प्रकार लिखते हैं, लिपि व्यभिचारी है। अथवा शब्द जो है कंठ में अपने सामने दिखाई पड़ता है, ये व्यभिचारी है। परंतु इससे जो बोध उत्पन्न होता है सभी का, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे केरल में, एक जलना में बस्ती की बोध उत्पन्न होता है, वो सब कहीं कहीं। यानी कि मिथ्या से भी व्यवहारिक सत्यत्व का जैसा बोध हो सकता है, उस प्रकार पारमार्थिक सत्यत्व का भी बोध हो सकता है। और ये जो आपने व्याप्ति कहा, ये आपका तो व्याप्ति ये नहीं है, हम लोग यहाँ पे तो ठीक है, मतलब आपको बाष्प देख करके अग्नि प्राप्त नहीं होता, कुआशा देख करके आपको अग्नि प्राप्त नहीं होता, परंतु प्रतिबिंब को देख करके बिंब ज्ञान होता है कि नहीं होता है। हमारे पास तीन बात है, एक आभासवाद, एक प्रतिबिंबवाद, एक अवच्छेद। एक आभासवाद, एक प्रतिबिंबवाद, एक अवच्छेद। आभासवाद को हम अवलंबन करते हैं कि जड़ में चेतन की व्यवहार कैसे हो सकता है, तो क्या हो गया, जैसे एक लोहे में एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कैसे हो सकता है। पीछे अगर एक मैग्नेट रहे, आपका हाथ बीच में रहे, ऊपर एक आप लोहे का एक कील लगा दो, यहाँ पे वो कील गिरेगा नहीं, उसके नीचे एक लगा दो नहीं गिरेगा, कैसे हो सकता है ये ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार आत्मा की चेतना का की फील्ड में सारा चीज लगता है, इसी के आधार पर ही व्यापार होना संभव है। इस जगत व्यापार को देखते हुए हम आभासवाद को कहते हैं। अवच्छेद बात को हम तब मानते हैं जब आवागमन के प्रश्न होता है, घटाकाश महाकाश। घटाकाश क्यों बोलते हैं, जब जीव की इहलोक पर लोग भोग के लिए आवागमन की प्रतीति होती है, तो क्या होता है, उपाधि में आवागमन होता है। बोतल को आप हटाया, प्रतीति हुआ बोतल के अंदर आकाश भी गया। अवच्छेद बात की मुझे यहाँ पर प्रतिबिंब बात क्या है कि समझना बिंब कि किस वस्तु को, बिंब को तो देखा नहीं जा सकता, परंतु प्रतिबिंब को देख करके बिंब आसानी से समझ में आता है, इसलिए हम प्रतिबिंब बात को भी प्रयोग करते हैं। तीनों ही भाष्यकार की पंक्ति से प्राप्त होता है। तीन आचार्य जो है हमारे पास, एक पद्मपद आचार्य, एक सुरेश्वर आचार्य, अरे भामती आचार्य, मंत्री। तो आप जो है जो शंका उठाने जा रहे हैं, देखिए टीका का लिख आज 17 तक पूरा हो गया था, आज 18 शुरू हो ना, 18 तो शुरू में आपने ये असत्य वर्तमानी स्थितता तत् सत्यम स्वमी तत्व प्रबोधयेत। असत्य मार्ग में रह करके भी हम सत्य का बोध कर सकते हैं, सत्य का बोध कर सकते हैं। वेदांत के मुख्य मत सिद्धांत है, क्योंकि इसके बिना हमारे पास रास्ता नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं टीकाकार, प्रकारांतरेण अद्वैत अनुपपत्ति आशंका परिहरती। अपने यहाँ तक तो समझ में आएगा, ठीक है जगत नहीं है, परंतु ये बताओ गुरु शिष्य शास्त्र शिक्षा ये सब मिथ्या है कि झूठ है। ये यदि मिथ्या हो गया सत्य सत्य वस्तु ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता, सामान्य व्यक्ति यही बोले, यही हमारी मान्यता भी है। और कोई भी बात ही अपने ग्रंथ लिख करके कहने की हिम्मत नहीं करता, हमने जो भी कुछ लिखा वो मिथ्या को वस्तु को समझाने के लिए, इसमें भी कोई पारमार्थिकता नहीं, ज्ञान इससे भी नहीं वस्तु, ये हमारे संप्रदाय के आचार्य लोग यही बोलते। इसलिए बोलते हैं प्रकार अंतरना अद्वैत अनुपत्ति, दूसरे प्रकार से अद्वैत पारमार्थिक होना संभव नहीं है, इस शंका को उठा करके परिहार करते हैं। एक नंबर टिप्पणी, प्रकार अंतर क्या है,
शास्त्रादि प्रपंच विशेष सत्यत्व असत्यत्व आवश्यक ये जो शास्त्र शास्त्रा शास्त्र शिक्षा देने वाला शिक्षा को प्राप्त करने वाला टीचिंग प्रोसेस ये सत्य है कि झूठ है? ये भी झूठ है। माया नेत्र ऐसा करके आप सबको देख रहे हैं। जब हम शिक्षा मुख्य सिद्धांत यही है तो उनको दूसरा बारे का मानना बहुत कठिन पड़ता है। जैसे बोलते हैं शास्त्रादि प्रपंच विशेषस्य सत्यत्व आवश्यक, उसका सत्यत्व आवश्यक है इसलिए उसको एक प्रकार अंतर हो गया। दस श्लोक एक अंत्य भगवान भाष्यकार भी लिखा हुआ दस श्लोक भूमि न तो ये न तेरे न कम न इंद्र ते सब सुनो अनेक अंतिक तक सुषुप्त एक सिद्ध तद एक शिष्य शिव के उसमें एक श्लोक आता है देखिए लिखते हैं न शास्त्र न शास्त्र न शिष्य न शिक्षा न चत्तम न बाह न वाय प्रपंच स्वरूपाव बोधे विकल्प शेष तद एक शिष्य शिव के अपने आप लिखते भगवान दास का एक शास्त्र शास्त्र मतलब निस्संपत्ति है शास्त्र मतलब उपदेश करने वाला ना शिष्य जिसको पढ़ाते हैं और शिक्षा के प्रोसेस ये चालू नहीं है ये भी सामना ना शास्त्र ना शास्त्र ना शिष्य ना शिक्षा ना जब तक जिसको बोल रहे तुम और मैं ये भी नहीं है का स्वरूप अवबोध है जब स्वरूप का अवबोध हो जाता है विकल्प शेष कोई विकल्प ही वहाँ होना संभव नहीं है। ये जो स्वरूप अवबोध के बाद जो तत्व बचता है वही एक बचाव तत्व संसार में देखो अब शिष्य शिव के कल्याण कर सकते मैं दस श्लोक में देखो उसी को यहाँ पे अपने आप उठा रहे शंका के रूप में श्लोक को विकल्प विनिवर्तित विकल्प विनिवर्तित कल्पित यदि केनचित कल्पित यदि केनचित उपदेशादयं वादो उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञाते द्वैतं न विद्यते विकल्पो विनिवर्तित कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। इस प्रपंच के समान गुरु शिष्य आदि व्यवहार भी जो विकल्प करते हैं मतलब शब्द प्रयोग करते हैं पर वस्तु परिवर्तित नहीं है ये विकल्प आदि किसी कल्पना यदि किसने कल्पना की है तो विकल्प भी निवृत्ति हो जाएगा। हमने कल्पना की वो निवृत्ति हो जाएगा। विकल्प विनिवर्तित कल्पित यदि कहना चाहिए उपदेशात अयम बात इस शास्त्र को समझाने के लिए श्रुति के द्वारा एक आधारोप प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस आधारोप प्रक्रिया के अंतर्पाती ही ये शिष्य शास्त्र शिक्षा ये सब उप आचार्य ये सब उसी में उसी का अंतर्पाती है। उपदेशात अयम बात ज्ञाते द्वैतम न विद्यते उस परमार्थिक अरिष्टा तत्व को जानने के बाद कोई भेद नहीं रहता तो कैसे बोलते हैं कैसे बोलते हैं गुरु नहीं शिष्य चिदानंद शिव न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद पिता नहीं गो मैं नहीं गो माता च जन्म न बंधु न मित्र गुरु नहीं शिष्य चिदानंद जिस 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 व्यक्ति ने लिखा मनश्चिन्न लग्नम गुरुरंगी प्रज्ञ तथक किम तथक किम तथक किम तथक किम उसी व्यक्ति ने लिखा क्या लिखा न गुरु नहीं शिष्य चिदानंद शिव ये है मतलब आपकी स्थिति कहाँ है स्वरूप अवबोध हो गया तो कुछ नहीं। जिसको प्रशंसा करना चाहते हैं उनके बारे में निर्माण अष्टकम और षड्जगदीप है जब गुरु को प्रशंसा करना है तो गुरु जब भवानी को प्रशंसा करना है देवी को मतलब परम जय भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण भी देखिए जो अर्जुन को जब क्या बोल रहे हैं जबरदस्ती तुमको अपना स्वधर्म पालन करना ही होगा इसके बिना तुम कभी भी दुख से निवृत्त नहीं हो सकते है ना। अर्जुन तो अच्छा खासा संन्यास लेकर के भीख मांग के खाना चाहता था होना नहीं है वो पहले अपने स्वधर्म पालन कर तो स्वधर्म पालन करके तो अंतकरण शुद्ध होगा तब सारा धर्म छोड़ देखिए एक ही व्यक्ति जिसको बोल रहा है तस्मा युद्धस्य भारत और उसी व्यक्ति बोल रहा है सर्वधर्मान्तरितम एक ही व्यक्ति को बोल रहा है अलग को नहीं बोल रहे बोलने वाला भी हो सुनने वाला भी वही परंतु उसके बीच में 700 श्लोक का लगभग गया धीरे धीरे बोलो यही चीज है यहाँ पे ठीक है। आपको जिस समय हमारा अज्ञान है उस अवस्था में
हम शिष्य शास्त्र चार मान्यता देते हैं, उसकी मर्यादा भी रखते हैं, परंतु जितने धीरे 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 एक दृष्ट आता है तभी सब अपने आप चला जाता है। इसलिए ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, समझ जाने पर अनुमान होने पर फिर भेद नहीं रह जाता, और तो भेद नहीं रह जाता। अब देखिए विकल्प विनिवर्तित कल्पेशाद्वयम् दो है कहाँ थे उपदेशात अयम, उपदेशात अयम बात, उपदेश के निमित्त से ये बात कथा है, मतलब बात कथा मतलब गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से बोध के लिए वितंड कथा अथवा जल्प कथा नहीं है। अपने को दूसरे को खंडन करना एक कथा एक हो गया, दूसरे को खंडन अपने मन ये भी नहीं है, या केवल मात्र तथ्य प्रतिपादन करने के लिए उसको बात कथा, इसे बात प्रयोग कर सकते हैं। अयम बाधव उपदेश केवल मात्र शास्त्र को अभिप्राय को समझाने के लिए, तात्पर्य को समझाने के लिए ये बात है। अब ये समझ जाएंगे तब द्वैत आपके पास नहीं रहेगा। अब देखिए टीकाकार श्लोक का अर्थ करते हैं, यदि केनचित हेतुना किसी निमित्त को लेकर के किसी हेतु के लिए तत्व ज्ञाने न कार्य न, किसके लिए हेतु क्या है वो तत्व ज्ञान रूपी कार्य को उत्पन्न करने के लिए, मतलब आधारों प्रक्रिया है, शास्त्रादि विकल्प हेतु दया, शास्त्रादि विकल्प उसके हेतु रूप में काम करते हैं, इसलिए कल्पित है वो आरोपित है, अध्यारो प्रक्रिया का अंतर्पाती है, यह अध्यारो प्रक्रिया का अंतर्पाती है। तथापि असो फिर भी ये बाधित बाध हो जाता है ज्ञान के बाद, ज्ञान के बाद बाधित बाधित होकर के निवर्तित वो मिट जाता है। न तो तात्विक अद्वैतम विरुद्धम अर्थ, इसलिए तात्विक अद्वैत पारमार्थिक अद्वैत के साथ विरोध करने की योग्यता इसमें नहीं, परमार्थिक जो है अद्वैत स्थिति में के लिए विरोध करने का योग्यता, न तो तात्विक अद्वैतम विरोधम अर्थ, विरोध करने की योग्य नहीं है। ये हो गया इसका विपरीत अर्थ, मतलब श्रुति ने इस तत्व को समझाने के लिए इस प्रक्रिया अर्हति अर्हति अर्ह धातु है टू बिकम एबल योग्य बनाजर्व में भी आता है न तुम्हारा मतलब तुम इसके लिए योग्य नहीं है, यू आर नॉट डिजर्व यू डोंट डिजर्व पकड़ा तो भी होता है यही चीज है ठीक है। यदि केनचित हेतुना तत्वज्ञाने न कार्यन शास्त्रादि विकल्प हेतुतया कल्पित, शास्त्रादि विकल्प को उसको समझाने के लिए यदि उसको कल्पना किया गया तथापि फिर भी असो बाधित ये बाधित हो जाता है ज्ञान से बाधित हो जाता है और निवर्तित वो भट जाता है। न तो तात्विक अद्वैत विरुद्ध मत, इसलिए तो कल्पित वस्तु तात्विक वस्तु का विरोध नहीं करती। हमारे वेदांत के पास तीन सत्ता मानते हैं, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता, और ये एक सत्ता दूसरे सत्ता से विरोध नहीं करता। प्रातिभाषिक सत्ता के साथ व्यवहारिक सत्ता अथवा पारमार्थिक सत्ता का कोई विरोध नहीं है, व्यवहारिक सत्ता का भी प्रातिभाषिक से अथवा पारमार्थिक से विरोध नहीं है। कल हमने स्वप्न में देखा कि भयंकर बाढ़ आया तो भूकंप हुआ, कैलाश आश्रम सारा गिर गया टूट पड़ा, आज सुबह यहाँ पे पाठ चलना संभव होगा कि नहीं होगा, होगा बोलते हैं कल सारा टूट गया, फिर यहाँ पे कब 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 संभव होगा, तब कब संभव होगा जब उसका बात हो जाए। मतलब क्या प्रातिभाषिक सत्ता देखो व्यवहारिक सत्ता को बाधित नहीं किया, प्रातिभाषिक सत्ता क्या था मैंने बाढ़ प्रातिभाषिक और पाठ जो व्यवहारिक है प्रातिभाषिक शब्द इसके साथ विरोध नहीं करता। वो गलत और सही को लेकर केवल सत्ता तीन प्रकार की सत्ता की हम मान्यता देते हैं, एक प्रातिभाषिक सत्ता गलत तो आप निर्णय करते हो, यानी कि हमने जो देखा था वो सही नहीं था वो झूठ था, ये इसका इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस क्या है जब हम देख नकर सपने देखा आज तो पाठ चल रहा, यानी कि हमने जो देखा था वो गलत था वो झूठ था। प्रातिभाषिक सत्ता व्यवहारिक सत्ता के साथ विरोध नहीं करता। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सत्य सर्प, उस सर्प को रज्जु विरोध नहीं करता, रज्जु के साथ क्योंकि उसी के ऊपर ही दिखाई पड़ता है। और पारमार्थिक जैसे आपका पारमार्थिक वस्तु का ज्ञान होगा पारमार्थिक है वहाँ पे रज्जु, पर उसके वो सर्प भी दिखाई दे, तो क्या हुआ रज्जु सर्प का विरोध नहीं करना, सर्प रज्जु का विरोध करता है। कहा तो तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुचेतन के साथ तुरीय का विरोध नहीं है। पारमार्थिक मतलब तुरीय पारमार्थिक मत है मतलब एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट जो हमेशा रहता है बाकी व्यभिचार करता है,
पर ये तीन सत्ता की मान्यता देने के कारण हमारे कोई विरोध भी नहीं है दर्शन में। पारमार्थिक सत्ता में कोई द्वैत तो है ही नहीं, वहाँ व्यवहारिक में द्वैत की मान्यता देते हैं तो प्राप्तिभाषा इसलिए विरोध नहीं है। ये अभिप्राय छापे बोलते हैं कि आगे देखिए तत्व ज्ञानात् प्राग टीका में तत्व ज्ञानात् प्राग अवस्थाया में तत्व उपदेश निमित्तीकृत्य जत शास्त्रादि भेद अनुद्यते। तत्व ज्ञानात् प्राग अवस्था में तत्व ज्ञान की पहले की ज्ञान जब तक उसके पहले तक मतलब अविद्या अवस्था में ही तत्व ज्ञानात् प्राग अवस्थाया एव मतलब क्या हो जाएगा अविद्या अवस्था में ही तत्व उपदेश इस तत्व उपदेश को निमित्तीकृत तत्व को उपदेश करना है तो जब उपदेश करेगा तो कोई सुनने वाला भी होगा कोई करने वाला भी होगा कोई विषय भी होगा तो उसके बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो सबसे पहले ग्रंथ लिखने से पहले आप अनुबंध चतुष्टय दिखाते हो अधिकारी विषय प्रयोजन समझ यानी कि भेद को आपने स्वयं मान लिया और हमें तो केवल समझाने के लिए मान वास्तविक ये तो मान इसलिए होता है तत्व उपदेश निमित्तीकृत तत्व उपदेश के निमित्त बना करके जब तो शास्त्र क्यों उसी से इस कारण से शास्त्र आदियों में भेद का अनुवाद किया जाता है। जो हमारे अनुवाद क्यों बोल रहे हैं हमारी बुद्धि में बैठी हुई है इसको उसको पहले मान्यता दे देते हैं। एक व्यक्ति सर्प के डर के मारे साफ 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 भाग रहा है कोई व्यक्ति उसको पहले बोलेगा ये लोग बोला मूर्ख तू नहीं जानता कुछ हाँ हाँ साहब है रुको रुको हाँ साहब कोई बात नहीं अब आओ मेरे साथ देखते तो भी उस व्यक्ति का अंदर थोड़ा सा जो है हौसला बढ़ता है कि मैं सहारा देने वाला कोई ये अनुवाद है हाँ हमारी भ्रांति के अनुवाद करके ये तो पहले ही यदि किसी का कोई आए हमारे पास इतना भी समझ में नहीं आता भाग जाएगा तुरंत वो भाग जाएगा तुरंत कोई सुनेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ शास्त्र क्या करते हैं देखो इंद्र प्रजापति ऋषि के पास गए थे 32 साल तक बात नहीं की फिर भी गुरु ध्यान नहीं करके बैठे उपदेश किया जो ऐश्वक्षिणी पुरुष दृश्यते ईश्वर आत्मा है ना वो जो सर्व सर्व आत्मा जो आत्मा अपहत आत्मा विमृत विश्व को पूरा है वो लक्षण आप बताया एवं आत्मा है प्रजापति ऋषि को सुनकर चला गया था वो चला जाने के बाद वापस आया तो वहाँ पे बोले थे जिसको बिना समझे चला जाएगा वो दूसरे के साथ पराजित हो जाएगा। विरोचन तो चला गया असुर विद्याई शरीर को आत्मा मान लिया इंद्र विचार करते हैं लक्षण घटते फिर वापस आए वापस आने के बाद प्रजापति अपने मन में तो ही है कि जो दृष्टि का दृष्टा है उसको बोला इंद्र ने समझ पाया इंद्र बोला कि ना हमत्र भोगम अश्य इस प्रकार के आत्मज्ञान से मेरा कोई लाभ नहीं है क्योंकि जो उसका आपने बोला वो आत्मा कैसे हो सकता तो मैं व्यभिचारी क्या बोल सकता था प्रजापति भाष्य का लिख रहा है प्रजापति बोल सकता था तेरे को समझ ही नहीं आया कुछ भाग यहाँ से तेरे को समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं बोला एवं एवं भगवान बस वहाँ पर ठीक बोला इंद्र तुमने ठीक बोला बैठो और 32 साल बैठो थोड़ा सा और विरोचन चला गया हाँ विरोचन चला गया इंद्र नहीं घूम कर आ गया फिर बसो और 32 साल अब भाष्य का लिख रहे हैं वहाँ पे गुरुपुर शिष्य को झूठ उपदेश कर गुरु के मन में तो ठीक ही बैठा है क्या बैठा है जो दृष्टि का दृष्टि उसके बारे में बोला इसको समझ में नहीं आया तो कोई कह सकता है वो समझ नहीं भाग्य नहीं होगा ऐसा भी नहीं बोला उसको शिष्य को रक्षा करना शिष्य को त्राण करना ये हमारी वेद माता की विरोचन क्या समझा था शरीर को आत्मा समझ लिया था क्योंकि वो तो छाया प्रतिबिंब को देखा ना प्रतिबिंब तो कोई नहीं है तो शरीर ही आत्मा है तो इसलिए बोलते हैं आज तक भी जो इस शरीर को मैं मान करके व्यवहार करते हैं फिर मर जाने पर ढाक ढोल के साथ ले जाते हैं भी देते हैं कब्र में सामान सामान रखते हैं वो लोग सब विरोचन को नहीं श्रुति अपने आप बोलते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि यह कहना चाहते हैं तत्व ज्ञाना प्राग अवस्थाया में तत्व उपदेशम निमित्तीकृत या तो शास्त्रादि भेद अनुमत ये शास्त्र शास्त्र शिष्य शिक्षा ये भेद को अनुमत किया जाता है तो हमारे मन में बैठा हुआ पहले से उपदेश प्रयुक्ते तु ज्ञाने निवेदा उपदेश करने के बाद जब आपका ज्ञान हो जाएगा जब आपका ज्ञान हो जाएगा जिस प्रकार छोटा बच्चा को जब 1-2 सिखाते हैं तो क्या बोलते हैं तुम्हारे हाथ में कितना उंगली है बोलेंगे 5 और फिर उसको जोर सिखाएंगे बोलो 2 के साथ 3 जोड़ने से कितना होगा तो ये जोड़ो 1-2 कितना हुआ बाद में जब सीख गया तब अच्छे अच्छे सब मनी में अपने आप ही हो जाते सब तब कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है तो उसकी आवश्यकता कब तक है जब तक हमारी बोध जागृत नहीं होता। तो
तो अपने आप ही उंगली घुटना अपने आप ही हट जाता है, उसको सब तत्व नहीं रहता। इसलिए हमें भगवान पक्ष में कई दृष्टांत होते हैं कि रेखा एक ही है ना, तो वो रेखा के अलग दस सौ हजार सब बोध कराते हैं, एक ही एक एक शून्य कराता है उसका। परंतु ये जो बोध होता है वो बोध पारमार्थिक है, परंतु रेखा पारमार्थिक नहीं। सभी भाषा में अलग अलग प्रकार के लिखते हैं, अलग अलग प्रकार के बोध चीज यहाँ अभिप्राय के दूसरे जो बोध उत्पन्न होता है परमार्थिक कहा जाता है। ज्ञानी निर्वृत्त ज्ञान संपादन हो जाने पर न किंचित द्वैत अस्ति, ज्ञानी निर्वृत्त ध्यान रखना, एक होता है निवृत्ति एक होता है निर्वृत्ति। निवृत्ति मतलब होता है हर जगह और निर्वृत्ति मतलब होता है संपादन। निवृत्ति मतलब अलग अलग अनिश्चित निवृत्ति हो गया, अलग अलग उत्सर्ग है यहाँ पे इसका अर्थ एक उपसर्ग उसी वृत्ति को बिल्कुल उल्टा उपयोग कर है ना। यहाँ पे निर्वृत्ति ज्ञाने निर्वृत्ति सति ज्ञान संपादन हो जाने पर न किंचित अभिद्वैतम अस्ति, भेद बिल्कुल नहीं आ जाता। यदि अद्वैतम अभिरुद्धम से अद्वैत के साथ किसी का भी होते यदि अर्थ इसका भी प्रयोग करते हैं। ये अपने आप अर्थ करने के बाद अपने ककार भाष्यकार के रूप में उद्घाट दे रहे हैं, ठीक है ना। श्लोक व्यावर्तम आशंका माह, श्लोक के द्वारा निराकरण करने जो कुछ शंका है उस शंका को पहले कहते हैं। इस श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उस शंका श्लोक व्यावर्तम आशंका महाचार बोलते हैं। अब देखिए एक जगह पे पहाड़ के ऊपर एक पेड़ का वो पेड़ किया कुछ उनकी पत्नी भी रहते वहाँ, वो पेड़ सामने से देखने से एक प्रकार लगता है, दूर से जाएंगे तो आपको अच्छा दिखने लगता है, अब जो आप कहना चाहते हो सब कुछ ठीक लग रहा है। ऐसा करते करते पीछे जाते जाते वो ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे एक कदम पीछे जाएगा तो पीछे नीचे गिरेगा। उनकी पत्नी देख रही थी, उसने एक झाड़ू ला करके पेड़ के ऊपर तार से मारा, पेड़ गिर गया। जो पेंट करके रखा था पेड़ गिर गया नीचे और पेंट का तुरंत आकर के उसको उठाया। अब वो बोलते हैं तुमने हमारे पेंट को क्यों गिराया, बोलते यदि इसको नहीं गिराते तो तुम गिरते खट्टे। मतलब उसको यदि बोलता भी तुम्हारे पीछे खट्टा खट्टा पीछे घूम के एक बार देखता तो उसी में गिरता। वो पेंट को गिराना उसका अभिप्राय नहीं था, वो झूठ था भाव, पर तो सच्चाई क्या उसका जीवन बच गया। ऐसा जो है झूठ से भी एक सच्चा अभिप्राय आपका संपादन हो जाता है। मम्मी को बच्चे को खिलाना है, खा लो नहीं तो कौवा ले जाएगा, जोगी उठा के ले जाएगा, मम्मी जानते हैं कि जोगी ना कहो कोई नहीं ले जाएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ भी शिष्य शास्त्र विभाजन जो विकल्पित है और इसके द्वारा सच्चाई बोध हो जाता है, इस अभिप्राय से बोल रहे हैं। श्लोक व्यावर्तम आशंका महाननु अभाष्मा ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्प कथम निवर्तते, ये भेद कहाँ से हटाओगे, तुमने उसको मान्यता दिया। तुम्हारे पहला तुम्हारा साधन क्या है, श्रवण मनन निधि, श्रवण पहला बात है, वो श्रवण कैसे करोगे, शास्त्र से करोगे, गुरुमुख से आचार्य के मुख से सुनना है तो आचार्य भी चाहिए सुनने वाला भी चाहिए, तो ये भेद जो है कैसे मिटाओगे, ये भेद कैसे मिटाओगे। अनु शास्ता मतलब शास्त्र धातु है, त्रिज प्रत्यय है, कर्तार्थ में आते हैं, तो उसका प्रथम एक मतलब गुरु शास्त्र मतलब सिर्फ उपदेश करने वाला गुरु, शास्त्र जिसको उपदेश किया जा रहा है और शिष्य मतलब जिसको उपदेश किया जा रहा है, ठीक है ना। अब एक शिक्षा मतलब प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिया, वो दस श्लोक में दिया ना, न शास्त्र न शिष्य न शिक्षा, दोनों चारों ही नहीं है, उपदेश भी नहीं है, शास्त्र शिष्य और शास्त्र उपदेश का इति विकल्प है। इस प्रकार जो विकल्प है ना खत्म निवर्तित तो कैसे हट सकता है, इति उच्चते उसके उत्तर में हमारे गौर पदाचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विकल्प विनिवर्तित कल्पित ये यदि किए, इसने कल्पना किया था ये मैंने गुरु है ये शिष्य है, गुरु को उपदेश करते करते गुरु स्वयं बताते हैं ये भेद पारमार्थिक नहीं है, भेद पारमार्थिक नहीं है। उपदेश गुरु के उपदेश सुनते सुनते क्या होता है कि उसको अंदर से भेद बुद्धि बन जाती है, फिर अद्वैत पारमार्थिक रहते हैं।
यहाँ पे देखिए टीकाकार लिख रहे हैं तद अनिवृत्त न अद्वैतम सिद्धि अद्वैत सिद्धि न च शास्त्रादि भेदस्य कल्पितत्व अविरुद्ध। आप जो है क्या बोलते हैं, यदि आपको ये भेद नहीं मिटता तो अद्वैत सिद्ध होगा नहीं। भेद कहाँ पे, गुरु शिष्य शास्त्र शिक्षा, ये भेद यदि कहीं पड़ता है, ये भेद यदि नहीं मिटता है तो क्या जब अद्वैत सिद्धि ही नहीं है। किसे बोलते हैं तद अनिवृत्त न अद्वैत सिद्धि न जो शास्त्रादि भेद से कल्पितत्व अविरोध। आप ये बोलो कि शास्त्रादि भेद कल्पित है तो इसलिए कोई विरोध नहीं है, ये कल्पित वस्तु के द्वारा सत्य वस्तु का ज्ञान थोड़ी होगा। आपको फॉग देख करके आप गए और वहाँ पे आपको अग्नि थोड़ी मिलेगा, स्मोक परावर्तित होता तो आपको धुआं होता तो आग मिल गया। इसलिए आपको झूठ से सत्य वस्तु का ज्ञान हो नहीं सकता, सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकता। ये नए दर्शन के सिद्धांत है, उन्होंने लिखा है व्याप्ति से। तब बोलते देखो वहाँ पे काव्याकार धुआं के साथ अग्नि की व्याप्ति है, बाष्प के साथ तो अग्नि की व्याप्ति नहीं है, इसीलिए वहाँ पे नहीं मिली। परंतु प्रतिबिंब बात को देखो, प्रतिबिंब को देख करके बिंब की यथार्थ ज्ञान होता कि नहीं, ऐसी वहाँ भी हो जाए, ऐसे यहाँ भी हो जाए। इसलिए आप देखिए इसे अध्यात्म को लेकर के बोल रहे हैं तथा सती धूम आभासवत तत्व ज्ञान हेतुत्व अनुपत्ति। अर्थ जैसे धुआं के आभास से अग्नि की ज्ञान अथवा अग्नि की प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रकार की ये मिथ्या होगा तो पारमार्थिक तत्व ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ये पूर्ववादी बोल रहे हैं, ये पूर्ववादी बोल रहे हैं तथा सति, इसको माता का सती मतलब शास्त्रादि कल्पित सत्युपत्ति। शास्त्रादि यदि कल्पित होगा तब वहाँ से सत्य ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ को हमेशा ध्यान रखता हूँ, शास्त्रों पर जो ज्ञान होता है वो आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान भिन्न ही वस्तु, भिन्न वस्तु है वो जो है वो ज्ञान मतलब ये निरपेक्ष। ये क्या काम करता है, अपने मन को बांधने का काम करता है। विषय में सत्य बुद्धि जो मन को बाहर खींचता है उसको रोकता है। ज्ञान अपना स्वयं प्रकाश है, वो अपने आप अभी प्राप्त होता है, पहले ही बोल करके अगर बन रहा है। इसलिए अपने तथा सती शास्त्रादि कल्पित सती इति अर्थ, शास्त्रादि कल्पित है इसका अर्थ। अच्छा धूम आभास आभास का धुआं आभास के समान तत्व ज्ञान हेतु, इसलिए शास्त्र क्या हो जाएगा, जैसे धुआं के आभास अग्नि प्राप्त नहीं होता इस प्रकार मिथ्या शास्त्र से तत्व ज्ञान होना संभव नहीं होगा, ऐसा पूर्ववादी कहना चाहते हैं। धूम आभास पर तत्व ज्ञान हेतु अर्थ, वहाँ पे दो नंबर टिप्पणी कर लिया। तीन नंबर टिप्पणी में देखिए शास्त्रादि न तत्र ज्ञान हेतु, शास्त्रादि को पक्ष माना है तो ज्ञान हेतु न भवति कत्मा आभासत्वा बाष्प अध्यस्त धूम आभास अनुमान रूप लिख दिया टिप्पणी का। देखिए यहाँ पे शास्त्रादि को पक्ष माना दिया, शास्त्र शास्त्र शिष्य शिक्षक पक्ष हो गया, ठीक है ना। और न ज्ञान हेतु, वो ज्ञान के लिए हेतु नहीं बन सकता, ठीक है ना। तत्व कुछ मतलब इस विषय में यूँ कस्मा आभाषत्वात् मिथ्यात्वात् तुम्हें तुम्हारी मान्यता है, वेदांत के ऊपर वो आरोप कर जिस प्रकार बाष्प अभ्यस्त धूम आभास, बाष्प को देख करके आपने धुआं आभास किया, आरोप किया था वहाँ पे फॉग, आपने क्या सोचा स्मोक, अब उसको देख करके जब आप अग्नि प्राप्त करने जाते हैं तो क्या होता है, अग्नि प्राप्त नहीं होता, अग्नि प्राप्त नहीं फॉग है। इसलिए बोलते हैं बाष्प अध्यस्त धूम आभास पर, बाष्प के ऊपर अध्यस्त धुआं के आभास से जैसे अग्नि की प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार शास्त्र अवधि मतलब तो आत्मा के ऊपर कल्पित शास्त्र आदि से भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। यही तो बात है, यही तो बिल्कुल आप बोला बिल्कुल सही है, परंतु मैं इसलिए बोल रहा हूँ फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये शास्त्र से भी हमारा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान इसीलिए सही है तो नहीं। परंतु क्या है, आपको उपदेश सुने बिना तथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सुने बिना नहीं होगा, लेकिन ये सीधा हेतु नहीं है मतलब। हाँ मतलब आप तो, तब यदि आप ऐसा मानोगे तब क्या हो जाएगा, हम बोलते नहीं शास्त्र विषय जब हम सुनेंगे तब क्या हो जाएगा, आत्म संबंधित मन निश्चय करता रहेगा, फिर वो जो चिदाभास है चिदाभास के देख के शुद्ध चित्त कर दरवाजे पे जाके खड़ा कर देगा, फिर खोलना तो अपने से ही है। ये वहाँ पे अभिप्राय है,
तो यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी है, शास्त्रादि न तत्व ज्ञान हेतु आभासत्व वास्तव। वो व्यक्ति हमारे सिद्धांतों को मन में रख के नहीं बोल रहा है, वो अपने अनुमान को मन में रख के बोल रहे हैं। पूर्ववादी हमारे सिद्धांतों को मान लेगा तो लड़ाई क्यों करेगा, वो अपने सिद्धांत। जैसे धुआं से, धुआं जहाँ पे सही होगा वहाँ पे अग्नि प्राप्त होगा, परंतु भोग से अग्नि प्राप्त नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। इसी प्रकार से यदि शास्त्रादि सही होता तब वहाँ पर सत्य वस्तु के ज्ञान होती, तब तुमने स्वयं शास्त्रादि को मिथ्या मान लिया तो सत्य वस्तु ज्ञान होना संभव ही नहीं, ऐसा पूर्ववादी कहना चाहिए। पूर्ववादी हमारे सिद्धांतों को लेकर के नहीं बोल रहे, तब यह अनुमान गलत होगा, बोलते नहीं ऐसा होता है। तब देखो मैंने क्या ही बोला, कई चीज जगह पे हमने दिखाया कि उस अभिप्राय वो नहीं था, बोलते ऐसा है वहाँ पे एक्टिंग किया, उससे क्या होता है कुछ सत्य वस्तु की बोध हो जाता है, ऐसा ही हम कहने चाहते हैं। तो मतलब कोई अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए, मतलब जो बुद्धि के कुछ हमको पहले लौकिक दृष्टांत तो लेना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे अलग करके बताना पड़ता है, वहाँ पर भी ये भी होता है। इसलिए बोलते हैं तथा सती धूम आभासवत तत्व ज्ञान हेतु तन्व प्रति अर्थ। चार नंबर आगे चलिए, आगे देने की धूम आभासस अव्यक्तस अतत हेतुत्व अपि, इसको समझ लीजिए पहले। सिद्धांत पक्ष उसके कहने बोल रहे हैं कि जो धूम आभास है उसका अव्यक्तस, जो अग्नि के साथ जिसका व्याप्ति नहीं है, धूम आभासस अव्यक्तस। व्याप्ति क्या है, जत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वर्ण्य, ये व्यक्ति है आपका, ठीक है ना, परंतु जत्र यत्र आभासत्र तत्र तत्र वर्णित, ये तो व्यक्ति नहीं है हमारा, परंतु क्या है ये व्यक्ति नहीं है, इसी नाम पे प्राप्त नहीं होता। इसलिए धूम आभासत्व अव्यक्तस्य अतः हेतुत्व, मतलब अग्नि प्राप्ति के लिए हेतु नहीं होने पर भी, अग्नि प्राप्ति के लिए हेतु नहीं होने पर, ठीक है, इतना पंक्ति को मतलब उसके अनुमान में दोष ये है। ठीक है, आपने जो बोला गलत नहीं बोल रहा, परंतु हमने व्यक्ति क्या दिया था, जहाँ धुआं वहाँ वर्णित, परंतु आपने धुआं आभास के साथ हमने व्यक्ति नहीं कहा, धुआं आभास के साथ हमने व्यक्ति नहीं कहा, इसलिए वहां पे आपका कथन सही हो जाने पर भी धूम आभासस अव्यक्तस अतत हेतुत्व अपि धुआभास, जिसके साथ अग्नि की व्याप्ति नहीं है, इसलिए वो उसके लिए अग्नि प्राप्ति के लिए हेतु नहीं होने पर भी कल्पित शास्त्रस्य शास्त्रादे कल्पित शास्त्रादे तत्वज्ञान हेतुत्व, तो कल्पित शास्त्र में तत्वज्ञान के हेतुत्व कैसे बैठेगा, प्रतिबिंबादिपत प्रतिबिंबवाद को लेकर के ज्ञान। प्रतिबिंब जब देखते हो भी कोई शास्त्र सच्चा वस्तु नहीं है, वर्चुअल है वो, परंतु आपका बिंब का ज्ञान होता है, बिंब का ज्ञान होता है। देखिए प्रतिबिंबवाद की उपयोगिता कहाँ पे है, तीनों बाद में कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों पक्ष में, परंतु अरे हर एक तो उपयोगिता कहाँ का, आभासवाद को लेकर के व्यवहार होता है, जन्म चेतन के व्यवहार, प्रतिबिंबवाद को लेकर के ज्ञान और अवच्छेदवाद को लेकर गति आ गया, ये वहाँ पर ये अभिप्रेत है। इसलिए आप बोलते हैं कि धूम धूम आभासस्य अव्यक्तस्य अतः हेतुत्व अपि कल्पितस्य शास्त्रादि कल्पित शास्त्रादि का, ठीक है ना, षष्ठी एक वचन है कल्पित तत्व ज्ञान हेतु, तब तत्व ज्ञान के लिए हेतु बन सकता है, जैसे प्रतिबिंबादिवत प्रतिबिंब से जैसे होता है उपपन्नम, ये कहना युक्ति संगत होती है, इसको मन में रखते हुए मन कार्य कर उत्तर देते हैं, कार्य कर उत्तर देते हैं। चार नंबर टिप्पणी में देखिए अनुमिति प्रमा अजनकत्व अव्यपत्तम हेतु न आभाषत्व। देखो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनुमिति जो है प्रमा उत्पन्न नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि हमें व्याप्ति सही नहीं है, अनुमिति अपनी अनुमिति प्रमाण के द्वारा आपका प्रमा ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने व्याप्ति सही नहीं पकड़ा, आपने कुआस को धुआं समझ लिया, ये देखो व्याप्ति हमने कभी नहीं कहा, जहाँ जहाँ फॉग है वहाँ वहाँ फायर है, ये तो हमने कभी नहीं कहा, तो अनुमान प्रमाण के द्वारा आपका यथार्थ तो बोध नहीं होने के कारण क्या है कि आपने व्याप्ति में गलती कर दिया, व्यक्ति गलती, इसे बोलते हैं अनुमिति प्रमा अजनकत्व अव्यक्तत्व हेतु, व्याप्ति ठीक नहीं हुआ, ये इसके हेतु है न आभासत्व, वो आभास इसलिए नहीं है कि मुखाभाषे व्यभिचारात्मय प्रतिबिंब में जब मुख्य आभास है वहाँ पे, उसके अंदर आपका मुख कसे, कोई भी व्यक्ति डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए अपने सामने शीशा रख लेता है और क्या भी लगा रहे सब वहाँ पे देखते हैं, सही देखते हैं उसको, यानी कि प्रतिबिंब से सही का बोध होता है उसका, इसलिए यहाँ पे उसको बात नहीं है। इसलिए बोलते हैं मुखाभाषे मुख की आभास प्रतिबिंब में व्यभिचार, वहाँ पे आपका व्यभिचार है,
वहाँ पे प्रतिबिंब से लेकर थे बिंब का यथार्थ ज्ञान होता है। आप यहाँ पे देखिए व्यभिचारा नौ पूरा है ना, टिप्पणी में देखिए टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी चार रात में क्या लिखा हुआ वाले नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ वहाँ पे नकार को हलंतम कर दो, नकार को हलंतम वहाँ पे तो था नकार को देख करके नकार हो गया। व्यभिचारात अपने यहाँ तो पढ़ने में तो हमें दिक्कत नहीं हो रहा है, वहाँ पे देखने में दिक्कत हो रहा है। व्यभिचारात प्रकार नकार हो गया, फिर अनुनाशिक अनुनाशिक मकार वहाँ पे नकार हो गया, मकार दिक्कत हो गया। उसके बाद एवं आपका सिद्धांत मुख के आभास में व्यभिचार हो रहा है, प्रतिबिंब में व्यभिचार हो रहा है, इसीलिए जैसा तुमने कहा यह सही नहीं है। वो बोलते धूम आभास उसके लिए धूम आभास कहा आप जाते भाष्य उच्चते बोलते हैं विकल्प विनिवर्तित भाष्य विकल्प विनिवर्तित यदि केनचित कल्पित यदि जिसके द्वारा कल्पना किया गया है कल्पना किया कल्पित वस्तु ज्ञान होती निकल विकल्प विनिवर्तित विकल्प निकल जाएगा क्यों यदि कल्पित जहाँ पे केनचित कल्पित किसी निमित्त को लेकर के कल्पना किया गया था क्या निमित्त था ज्ञान उत्पत्ति तो ज्ञान उत्पत्ति होती निकल जाएगी ये विकल्प विनिवर्तित ये जो विकल्प निकल जाएगा कब निकल जाएगा यदि केनचित कल्पित टीका टीका कर क्या बोला कि बोध के निमित्त से एक कल्पना किया गया है आत्मतत्व का बोध कराने के लिए अध्यारोप प्रक्रिया को अपनाया गया है तो अध्यारोपित वस्तु अपने आप ही निकल जाएगा कब जब ज्ञान हो जाएगा। जैसे कभी कभी कोई गणित को समाधान करने के लिए सब कुछ एक से जुड़ा टू सच मान लेते हैं मान करके हम समाधान करते हैं आंसर मिल गया था हमारी नजर एक सब जाते बहुत बैठ जाते हैं वो शंका बैठ जाते हैं ऐसे ही यहाँ पे है। अच्छा यहाँ भी टीका में देखिए टीकाकार बोलते हैं शिष्य शास्त्रा शास्त्र इति अयम विकल्प ये जो है ना उपदेशात अयम बात जो विकल्प किया गया अयम विकल्प मतलब विकल्प मतलब विभाग विकल्प मतलब क्या विभाग मतलब जो भेद करके निकाले विकल्प मतलब विभाग सुअपि निवृत्ति प्रतियोगित्व वो भी निवृत्ति के मतलब प्रतियोगी मतलब निवृत्ति का विरोधी निवृत्त हो जाएगा निवृत्ति को जीवन के कारण निवृत्ति प्रतियोगित्व अवस्तुत्व वो भी पारमार्थिक नियमीकरण ज्ञान बाध्यत्व निवृत्ति का प्रतियोगी है मतलब वो निवृत्त हो जाता है क्यों क्योंकि वो जो पारमार्थिक वस्तु नहीं है पारमार्थिक नहीं है क्या हो जाए ज्ञान बाध्यत्व ज्ञान के द्वारा नाश हो जाता है। अद्वैत अविरोध भी अविरोधी अद्वैत अविरोधी किया इसलिए अद्वैत सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है अद्वैत अविरोधी उसी अर्थ ठीक है। यहाँ पे टीकाकार शिष्य शास्त्रा शास्त्र इति अयम विकल्प मतलब विभाग विकल्प विकल्प चार नंबर टिप्पणी विभाग विभाग विद्या प्रदर्शित हेतु त्रितया इति अनुमान यह सूचित द्रष्टव्य ऊपर तीन हेतु दिया देखिए निवृत्ति प्रतियोगित्वात् अवस्तुत्वात् ज्ञानबद्धत्वात् तीन हेतु दिया तीन विभाग पक्ष जो भी कोई भेद दिखाई पड़ता है ना वो क्या होता है मिथ्या वो पारमार्थिक नहीं है क्यों क्योंकि निवृत्ति प्रतियोगित्वात् मतलब निवृत्त हो जाता है जो भी विभाग दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है क्यों क्योंकि वो मिटने वाली वस्तु है वो पारमार्थिक नहीं है वो ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है इसलिए बोलता है निवृत्ति प्रतियोगिता अवस्थात्मक ज्ञान बाध्यत्व। यहाँ पे देखिए पांच नंबर टिप्पणी बोलता है निवृत्ति प्रति प्राग विरोधिश निवृत्ति प्राग विरोधिश अत अवस्तुत्व मतलब जिसका प्राग अभाव होता है वो वस्तु आने पर अभाव मिट जाता है ठीक है ना। आपका यदि आप वो तो ज्ञान की प्राग अभाव मानते हैं तो ज्ञान हुआ तो ज्ञान की प्राग अभाव जो तब चला गया तो उसका जो भी कुछ दिखाई दे रहा मान जाता है ये भी प्रयत्न। अच्छा नंबर टिप्पणी है कुतस्तत्तम अतः ज्ञान निवर्तकत्व ज्ञान बद्धत्व वहाँ पे तत्व नहीं है ज्ञान के द्वारा बात करते हैं ये ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व हमारी परिभाषा है जो ज्ञान के तरफ तो मिथ्या हो इसलिए विभाग मिथ्या इसका भी प्रयत्न है।
तो चार विभाग अविद्या प्रदर्शित हेतु की तया तीन हेतु वहाँ पे दिया, इस कारण से अनुमान वहाँ उसका अनुमान में ये अनुमान अपने तरफ से दे रहे हैं सुचितम दृष्टम में से हमें समझते रहे शिष्यादि विभाग से कल्पितत्व दृष्टान्त न स्पष्ट है। शिष्यादि विभाग में कल्पितत्व बैठा हुआ है, इस पर दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं। यदि यथा अयम प्रपंच माया रज्जु सर्ववत तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्प अभी, ठीक है ना, पहले इतना समझ लेंगे। जैसे ये प्रपंच हमने पहले कह कर विस्तार दो प्रकार से जगत और हमारा संसार, ये दोनों प्रपंच में अंतर आते हैं। यथा अयम प्रपंच माया रज्जु से माया माया भी के द्वारा रचित माया के समान अथवा रज्जु के ऊपर दिखाई देना सर्प के समान मिथ्या है यहाँ पे। यथा अयम प्रपंच माया रज्जु सर्पवत माया भी के द्वारा रचा गया माया तो इंद्रजाल के समान अथवा रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प के समान तथा उसी प्रकार से अयम ये भी तो प्रपंच का अंतपाति है। गुरु शिष्य शास्त्र शास्त्र ये भी प्रपंच का अंतपाति है, इसलिए बोलते हैं तथा शिष्यादि भेद विकल्प भी, शिष्यादि भेद में जो भी विकल्प करते वो भी क्या होता है तथा प्रपंच मिथ्या। ये बोलने के लिए प्राक प्रतिबोधा एवं उपदेश, जब तक ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए उपदेश निमित्त, उपदेश को निमित्त करने के लिए कोई किसी व्यक्ति को कोई समझाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्लेट ले, मान लीजिए किसी बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं कुछ, आपको स्लेट आदि लेना पड़ेगा, स्लेट लेकर सीखेगा। अब जब बच्चा बड़ा हो जाए कुछ ज्ञान हो जाए तो स्लेट जेब में लेके घूमता रहेगा क्या, उसको बोध हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्राग प्रतिबोधात एवं प्राग प्रतिबोध से पहले ही उपदेश निमित्त उसको सिखाने के लिए उपदेश निमित्त बोर्ड स्लेट चौक डस्टर सब कुछ लाया जाता है ना, परंतु फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, इसलिए बोलते हैं उपदेश निमित्त। अतः उपदेशात अयम बाद, इसीलिए उपदेश के माध्यम से समझाने के लिए ये बात मतलब ये भेद कथा शिष्य शास्त्र शास्त्र की बात यहाँ पे कहा गया है, ये इसका अधिक भेद अर्थ है। टीकाकार देखिए बोलते हैं कि शिष्यादि विभाग से कल्पितत्व दृष्टान्त स्पष्ट है, शिष्यादि विभाग जो है कल्पित है इसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं। माया बिना प्रयुक्त माया तथा कल्पित उच्चते, ठीक है ना, पहला दो दृष्टान्त पहले भी दिए करके आया है ना, माया भी के द्वारा फैलाया गया माया जैसा वो कल्पित है वो भी वस्तु पारमार्थिक नहीं है। उच्चते यथाच और जैसा सर्प धारादि विकल्पित तथा अयम प्रपंच, जिस प्रकार सर्प जल धारा भूचित्र माला दंड ये सब जो रज्जु के ऊपर कल्पित है, जैसा सर्प धारादि विकल्प तथा ठीक उसी प्रकार अयम प्रपंच सर्व अपनी कल्पित वस्तु न भवती इति प्रपंच, तभी कल्पित कल्पित है वस्तु न भवती इति प्रपंच, तो पारमार्थिक नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, माया बिना प्रयुक्त माया जथा कल्पित उच्चते उपास यथा च सर्वधारादि विकल्पित तथा इसी प्रकार से अयम प्रपंच सर्व अपि कल्पित, ठीक है ना, इशारा ही कल्पित है वस्तु ना भव जो पारमार्थिक नहीं हो सकता इति प्रपंच, हम यहाँ पहले भी कथन करके आया यदि कौमा ठीक से पदच्छेद नहीं कर पाएंगे पंक्ति नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। माया बिना प्रयुक्त माया जथा कल्पित उच्यते यथा च सर्पधारादि विकल्पित तथा अयम प्रपंच सर्व अपि कल्पित वस्तु न भवति, ये पारमार्थिक नहीं है क्योंकि प्रपंच तभी हमने पहले कथन कर रखा है, इसके पहले तथैव प्रपंच एक देश, इस प्रपंच का ही एक देश एक पाठ है, मिथ्या जगत के एक पाठ हम भी है आप भी है टेबल चेयर सब भी है, यहाँ तक कि वेद भी है, यहाँ तक कि वेद भी है। पूर्व मीमांसा दर्शन में ये मानने के लिए घबराया बहुत कि अरे वेद पौरुष है ये यदि नित्य हो जाए, जब वेद को शब्द राशि मानोगे तब ये दोष आएगा, यदि वेद मन तब ज्ञान मानोगे तब वो दोष नहीं आएगा, ज्ञान हमेशा रहेगा, ज्ञान नाश नहीं होगा। इसीलिए आप एक भी अपौरुष को मानने से जगत की अनित्य मानने से मित्र मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तथैव प्रपंच एक देश, प्रपंच का एक देश है शिष्य आदि मत शिष्य शास्त्र शिक्षा आदि अभी ज्ञानात् प्राक कल्पित सन, ज्ञान से पहले ज्ञान उत्पत्ति के निमित्त से इसकी कल्पना करते हुए अज्ञान कृत मिथ्या, वो अज्ञान के अज्ञान क्षेत्र में वो हुआ है इसलिए वो भी मिथ्या ही है,
अज्ञान अवस्था में शास्त्र का दिशा ये चीज तो बिल्कुल अच्छी तरह से जितना भी हम मिला तो पढ़े कितना पठन पाठन करें मन में ये निश्चय रखना है। ये भी प्रपंच को टिकन तक पाती है, यहाँ तक भी साधन भी मिथ्या है कि आप तो नित्य हमेशा ही है, नित्य मुक्त है। बाद में कुछ महात्मा ने बोल रहा था बोलते तो हम भी हम लोगों की क्या है जैसा प्रकार मतलब एक तालाब जिसमें पानी नहीं है और हम सपना देख रहे खूब तैर रहे हैं, अच्छा तैरना सीख गया। ये वेदांत तो पठन पाठन से यही आपको अभी ये ना हो जाएगा क्योंकि हम अच्छा वेदांत तो सीख गया ये जान गया वो आ जाएगा, वहाँ पे जल नहीं है कहाँ थे बल तो होता है ऐसा अधिक तो मुक्त है आत्मा, इसको क्या मुक्त कर। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सन अज्ञान की तो मिथ्या ही अर्थ किमिति ज्ञानात् पूर्वम् असुर कल्पते, ये ज्ञान से पूर्व ये क्यों कल्पना किया जाता है क्योंकि शिष्य को समझाने को जिसको बोध हो गया उसके लिए नहीं आएगी। इसलिए बोलते हैं किमिति ज्ञानात् पूर्वम् असुर कल्पते, ज्ञान से पहले ऐसा कल्पना क्यों किया जाता है। तत्र इसको उत्तर बोलते हैं उपदेशात् अयम् वाद, न उपदेश निमित्त उपदेश करने के लिए अत उपदेशात् अयम् वाद शिष्य सत्य सृष्टि उपदेश उद्दिश्य यथक्त विभाग वचन इति उक्तम उपसंहरति। इस प्रकार से उपदेश के निमित्त करके ही ये विभाग की कल्पना की गई है, इसको मन में रखते हुए अब इस वाक्य को उपसंहार करते हैं। उपसंहार अत उपदेशात् अयम् वाद शिष्य शास्त्र इत्यादि। अब क्या बोलते इसको क्यों किया था, उपदेशात् प्राग इव तस्मात् ऊर्ध्वम् अपि भेद अनुवर्तत, जिस प्रकार उपदेश से पहले भेद था उपदेश सुनने के बाद ज्ञान के बाद भी ऐसे भेद बना रहेगा, ऐसा कुछ शंका है, बड़ी विचित्र बात है ये क्या हो, तब ज्ञानी के पास भेद दृष्टि है कि नहीं है, नहीं तो उपदेश किसको करता है, ज्ञानी गुरु है अपने मानते हैं तब उसके बाद में भेद दृष्टि नहीं है, ये आपके मानना था तो उपदेश किसको करता है, अपने उनके दृष्टि से तो ये उपदेश आदि भी क्रिया नहीं हो रहा है, शास्त्र दृष्टि से देखने वाले की दृष्टि से तो क्रिया मानी जाती है परंतु उनकी दृष्टि से वहाँ पे मैं किसी बोलना था नहीं से फन अपने आप खुद हंसते हैं अपने आप की हंसी जैसे आते ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्रारंभ इतना बलवान होता है अपने आप हंसते हैं इससे कुछ भी भेद नहीं कही देना फिर भी प्रारंभ इतना बड़ा शरीर से इतना काम कराता है, ये एक मजेदार बात है रियली फन है कि कैसे बोलते उपदेश प्राग अपनी तस्मात ऊर्धम अपनी और भेद अनुवर्तन उसके बाद भी भेद रह जाए क्योंकि तो ठीक ही बोल रहे हैं कि उपदेश देते हैं ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन भगवान श्री कृष्ण नहीं बोलते, उपदेश कौन करेगा ज्ञानी करेगा, अज्ञानी के भेद नहीं उपदेश कैसे करेगा, ये बड़ी विचित्र बात है, ये व्याख्यातियों से बोलते नहीं यही जो है देखने वाले की दृष्टि से होता है। ये तो मैं आप बताइए मानव को कार्य का कार्य जब लिख रहे हैं नारायण कृपा से उनको आजादवाद की अनुभव हुई, अब जब आजादवाद की अनुभव हुई तो किसके लिए ग्रंथ लिख रहे हो आप, यानी कि ईश्वर इतना प्रेरणा भी उनके अंदर देते हैं तुम्हें तो अनुभव हो गया परंतु जिनको अनुभव नहीं हुआ उनको इस मार्ग को दिखाओ ताकि वो भी आनंद से जी, ये उनका तरीक ये रख देते हैं बचा के रखते हैं। ठाकुर साहब का जो कथन है शंकराचार्य के अंदर थोड़ा ज्ञान की अहंकार था मुझे ये कथन है क्यों तभी जाकर के काम हो पाएगा नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, भक्ति का अहंकार तभी हो पाए लोग तभी नाम कीर्तन बना, भक्ति का ज्ञान का मतलब ज्ञान वो तो ज्ञानी भी थे चैतन्य महा ज्ञानी भी थे उनका नाम की किया परंतु भक्ति के महिमा ऐसा उनके अंदर था ताकि लोग शिक्षा के लिए उनको भगवान माना गया। अब यहाँ पे बोलते हैं उपदेशात् प्राग उपदेशात् प्राग अपि तस्मात् ऊर्ध्वम् अपि भेद अनुवर्तनम् इति आशंक न आशंक विरोधी सद्भावात् मायावमिति, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जानते हैं कि उपक्रम और उपसंहार उपसंहार में और उपक्रम में कौन बलवान कौन है, न उपक्रम बलवान है क्योंकि उपक्रम में कोई संजात विरोधी नहीं है मतलब आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो आपका फ्रीडम है वहाँ पे आप निर्णय कर सकते हैं, उपसंहार में आपका फ्रीडम नहीं है, उपक्रम जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा, इसीलिए उपक्रम बलवान है उपसंहार। आप यहाँ पे बोलते हैं विरोधी सद्भाव क्यों वहाँ पे विरोधी बैठा हुआ है उपसंहार में आप मनमर्जी नहीं बोल सकते क्योंकि विरोधी प्रतिज्ञा बैठा हुआ है,
इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद फिर तो आपको ये दिखाई देगा, द्वैत दिखाई देगा, बोलते नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता है, विरोधी बैठा हुआ है, ज्ञान बैठा हुआ है, ये भेद देख नहीं देगा। यहाँ पे उपदेश प्रागिव तस्मा उत्थम विभेद अनुवर्तन आसन करो विरोधी सद्भाव मही विरोधियों पर विद्यमान है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए होते हैं उपदेश कार्य तो ज्ञान निर्वृत्ति है ना, जब उपदेश का कार्य तो ज्ञान वो संपादन हो जाने पर उपदेश कार्य तो भाष्य में ज्ञाने निर्वृत्ति ज्ञाते परमार्थ तत्व मतलब जो परमार्थ तत्व ज्ञान हो जाता है द्वैत अपना विद्यते वहाँ पर द्वैत फिर जाए नहीं होता। ठीक है आज सेकंड हो गया, नहीं तक ठीक है हो गया, एक 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 श्लोक हो गया, समय भी हो गया। जब प्रज्ञा वैशाख वेद सुभित जल निधे वेदनामतरस्थम भूतान्यालोक्य वदनानि जननकाभूरेशमुद्रे कारुण्यादुद्धारमृतमिदं मरे मरे यस्तं पूज्यामि पूज्यं परमगुरुम।